इसके अलावा अभी फिलहाल आने से पहले हमने एक दिन ये सोचा कि हमारी वेबसाइट है, फेसबुक है, इतना कुछ हम कर रहे हैं, बट हम बता रहे हैं लोगों को, बट लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं। तो एक थर्ड पार्टी सर्वे होता है जिसमें यह बताया जाता है कि आपकी वेबसाइट उस दिन कैसा परफॉर्म कर रही है। तो हमने एक ये थर्ड पार्टी किसी और के थ्रू एक दिन अपनी वेबसाइट का हमने सर्वे कराया, सिर्फ एजुकेशन का, कि भारत के अंदर जितनी एजुकेशन कंपनी और हमारी जो कंपनी है उसकी वेबसाइट पे कितनी हिट्स हैं पर डे की। जो नीले आप निशान देख रहे हैं दोस्तों, ये हमारे निशान है, और लाल और पीले जो कि शायद ही आपको दिख रहे हैं, ये और किसी कंपनी के निशान है। तो 500 गुना तक हमारी पर डे की हिट्स हैं और एज कंपेयर टू एनी अदर कंपनी। सो इट्स अ थर्ड पार्टी सर्वे। इस बेस से मैं कह सकता हूं कि आप खुद इमेजिन कीजिए पर डे कितने हजार लोग हमारी वेबसाइट को रोज टच बेस कर रहे हैं। प्लेसमेंट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है। बहुत दिन से हमारे पास एक डिमांड थी और एक सीरियस डिमांड थी कि जब भी कोई स्टूडेंट हमारे पास पढ़ने आ रहा है उसको बेहतरीन एजुकेशन तो मिल रही है, बट उसके बाद अगर वो फ्यूचर में जॉब के लिए जाना चाहे तो हम उसको क्या असिस्ट कर रहे हैं, हम उसका क्या हेल्प कर रहे हैं। तो दोस्तों ये भी 2013 के एंड में हमने नया इनिशिएटिव स्टार्ट करा जिसके अंदर हमने एक नया प्लेसमेंट डिपार्टमेंट बनाया। पूरी टीम बड़ी मेहनत से काम कर रही है और इस चीज को ध्यान में रखते हुए तकरीबन 2 महीने बाद इतने रिज्यूमेस हमारे पास फिजिकल आने लग गए, कागज इतने इकट्ठे होने लग गए रोज के, कि हमारे को लगा हम इसको मैनेज नहीं कर पाएंगे। तो एक नया सॉफ्टवेयर बनवा के अपनी वेबसाइट के साथ उसका भी लिंक दे दिया गया है, किसी भी स्टूडेंट को जो कि एपीएल का स्टूडेंट है और जॉब के लिए वो अप्लाई करना चाह रहे हैं उसको मेरे तक फोन करने की किसी को बताने की जरूरत नहीं है। अपना आईडी नंबर डाले उसके बाद वो खुल जाएगा। सॉफ्टवेयर में अपना रिज्यूम अपलोड करें, बेसिक इन्फॉर्मेशन, जैसे आपका स्मार्ट वैल्यू ज्वाइनिंग फॉर्म होता है उसमें उसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो भरे, और जैसे ही जॉब आती है उस तक अपने आप कॉल जाने लग जाता है। मैं सिर्फ पिछले 2 महीने का डाटा आपसे शेयर कर रहा हूं, 2300 बच्चों ने 2300 बच्चों ने अपना अपलोड करा है रिज्यूम इसमें, और आप ज्यादा से ज्यादा जिस भी सिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कुछ नहीं करना, उनको कहिए एपीएल वेबसाइट पर जाएं, प्लेसमेंट से जाएं, अपना रिज्यूमे अपलोड करें जिसको जॉब की जरूरत है। ना आपसे बोले ना हमारे को डायरेक्ट बोलने की जरूरत है, अपने आप उसका हमारे डाटा बैंक में आ जाएगा। बहुत सी कंपनीज है जो हमारे को हमारा टाई अप हो गया है, हमारे को अप्रोच कर रहे हैं जिनको स्टूडेंट चाहिए। पिछले साल तकरीबन 1700 स्टूडेंट ने प्लेसमेंट के लिए इंटरव्यू दिया जिसमें से तकरीबन 170 ऐसे स्टूडेंट थे जो कि सिलेक्ट हुए जॉब के लिए, जिसमें से तकरीबन 27 बच्चों ने ऑलरेडी कहीं ना कहीं जॉब ज्वाइन कर लिया है ऑलरेडी। तो जो कंपनीज हैं वो भी आप जरूर साथ में लेके जाएं, सिर्फ जॉब अच्छी देना जरूरत नहीं है, आज की डेट में मार्केट में ये डिमांड है कौन सी कंपनी में हमारी जॉब लगेगी। तो आपको मैं बता दूं आईसीआईसीआई बैंक, गोदरेज, टाइटन इंडस्ट्रीज एंड यू नो आईडीबीआई बैंक, आइडिया फोन जैसी कंपनीज में हमारे स्टूडेंट प्लेस हुए हैं। विचार बनाओ, द बेस्ट कंपनीज इन इंडिया टुडे। उसके बाद दोस्तों ये जो आप कुछ टेस्टिमोनियल्स अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं ये टेस्टिमोनियल्स डायरेक्टली हमारी वेबसाइट पे भी अवेलेबल हैं। दो तरह की हमने वेबसाइट पे अपनी टेस्टिमोनियल्स डाली है, एक वीडियोस, बट हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि हर बच्चे का हम वीडियो डाल के डालें, तो उसके टेस्टिमोनियल्स हमने डाल दिए। आप दोनों चीजें यूज करें अगर आप एपीएल की वेबसाइट पे जाते हैं, ना केवल वीडियोस बल्कि जिन बच्चों की प्लेसमेंट हो गई है उनका आईडी नंबर, उनका हर चीज यहाँ पे दे रखी है, कितना सैलरी, कौन सी कंपनी, हर चीज आपको मिलेगी। तो ये कंटिन्यूअस अपग्रेड होती है वीकली, कितने बच्चों की इस हफ्ते जॉब लगी और वो लिस्ट बढ़ रही है। तो यू कैन आई मीन आप एपीएल का वेबसाइट पे जाके और ये देख सकते हैं। हैविंग सेड दैट दोस्तों मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, जरूरी नहीं कि आप डायरेक्टली एपीएल की वेबसाइट पे जाएं, आप सारे स्मार्ट वैल्यू का वेबसाइट ब्राउज कर रहे हैं उस पर राइट हैंड पे लिंक दे रखा है एपीएल, केवल आप उसको क्लिक कीजिए आप डायरेक्ट हो जाएंगे एपीएल की वेबसाइट पे। तो उसमें भी कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि आपको एपीएल की वेबसाइट याद रखनी है ना हो, स्मार्ट वैल्यू की हर व्यक्ति को याद है, स्मार्ट ऑफिस आप यूज कर रहे हैं वहीं पे एपीएल का लिंक है, सिर्फ उसको क्लिक कीजिए और एपीएल की वेबसाइट तक पहुंच जाइए। इसके बाद दोस्तों जब हम हर चीज की बात करते हैं, जो भी चीज आज की डेट में पॉसिबल हुई है, जो भी कुछ मैं आपसे शेयर कर पाया, ये 2014 का हमारा विजन है, हम जानते हैं आप भी एक्सेप्ट करेंगे हमारा जो बिजनेस है वो लोगों का बिजनेस है, व्यक्तियों का बिजनेस है, इंडिविजुअलिटी की बिजनेस है, टीम बिजनेस है, पीपल टू पीपल बिजनेस है। तो हमारे ट्रेड में लोगों को अपने बारे में हम क्या सोचते हैं और उनको मार्केट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं, उस चीज को ध्यान में रखते हुए 2013 में हमने अपने इंटरनल
इम्प्लॉयज के लिए बहुत से ट्रेनिंग प्रोग्राम रखे, 1-to-1 इंटरेक्शन सेशन रखे, जिसमें वो आए, उन्होंने हमारे से शेयर करा कि कहां पे उनको चैलेंजेस आते हैं, उन चैलेंजेस को हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं, कंपनी की पॉलिसीज कैसी होनी चाहिए। सो ये सारी जो फोटोग्राफ्स हैं ये मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा इवेंट्स में। आपको ये भी मेरे को लगता है मेरा फर्ज है आपसे शेयर करना, क्योंकि आप भी ऑनरशिप हैं, आप भी इस कंपनी के ऑनर हैं एक, कि हमने अपने इंटरनल सेटिस्फेक्शन के लिए क्या क्या चीजें करी। तो ये सारे इवेंट्स की फोटोग्राफ्स हैं जो कि आप देख सकते हैं, अलग अलग जगहों पे हमने सारी ग्रुप कंपनीज के स्मार्ट वैल्यू के एम्प्लॉयज आए, उसमें एपीएलएल के एम्प्लॉयज आए, सारी ग्रुप कंपनीज के एम्प्लॉयज को गैदर करके और एक बहुत बड़े इवेंट्स करें, ना बल्कि एक बल्कि मल्टीपल इवेंट्स की फोटोग्राफ्स हैं जो कि आप देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों ये क्रिकेट मैच है जो कि पीछे हमने ऑर्गेनाइज करा था एम्प्लॉयज के बीच में। दिस इज नथिंग बट एक मोटिवेशन बढ़ाने के अलग अलग तरीके हर कंपनी वो करती है। हमारे को लगा कि एक अपने दोस्तों के, अपने एम्प्लॉयज के साथ लाइट हार्टेड कुछ मूवमेंट्स बिछाने के लिए खेल से बेहतर क्या चीज हो सकती है, स्पोर्ट्स में क्रिकेट से बेहतर क्या चीज हो सकती है। तो सबने बड़ा खुशी से और बड़ा बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लिया। इसके अलावा दोस्तों ये जो फोटोग्राफ आप देख रहे हैं, ना केवल अपने इंटरनल एम्प्लॉयज के लिए बल्कि हमने अपनी टीम्स, अपने टॉप लीडरशिप, अपने लीडर्स के साथ अभी पीछे एम्प्लॉयज स्मार्ट वैल्यू और जितने भी लीडर्स हैं उनके साथ ये क्रिकेट मैच ऑर्गेनाइज करा गया। ये कोलकाता में ऑर्गेनाइज हुआ, अभी पीछे तकरीबन 3 महीने पुरानी फोटोग्राफ है ये, एंड एवरीबडी पार्टिसिपेटेड इन दैट। तो ना केवल इंटरनल एम्प्लॉयज के लिए बल्कि एज आपकी ओनरशिप को हमारे साथ आगे बढ़ाने के लिए भी कुछ ना कुछ इवेंट्स पूरा साल एज अ ऑर्गेनाइजेशन, आप स्मार्ट वैल्यू बोल रहे हैं, एपीएलएल बोल रहे हैं, हम लोग कुछ ना कुछ ऑर्गेनाइज करते रह रहे हैं। नेक्स्ट टाइम जब हम मिलेंगे तो आज की फोटोग्राफी आप इसी इवेंट्स में देखेंगे, बिकॉज ये भी एक ऑनरशिप शेयर करने का हमारा प्लेटफॉर्म है। उसके अलावा ये कुछ प्लेसमेंट ड्राइव्स की फोटोग्राफ्स हैं जो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। एमपी में जो प्लेसमेंट ड्राइव हुआ है उसकी फोटोग्राफ्स हैं, महाराष्ट्र में जो प्लेसमेंट ड्राइव हुआ, वेस्ट बंगाल में जो प्लेसमेंट ड्राइव हुआ। आप देखिए जब हम प्लेसमेंट ड्राइव की बात करें, जो सबसे नीचे फोटोग्राफ है टॉप लेफ्ट हैंड पे अगर आप देखें नीचे, तो आप लाइन देखिए बच्चों की जो कि बाहर तक जा रही थी। सो दैट इज अ काइंड ऑफ रिस्पॉन्स हमारे को मिल रहा है प्लेसमेंट ड्राइव्स का। उसके बाद वापस आता हूँ सोशल एक्टिविटीज की, जब मैं बात कर रहा हूँ, जब भी हम एज ए इंडिविजुअल हम मानते हैं कि आप कोई अच्छा काम करें, आप दाहिने हाथ से करें तो बाएं हाथ को पता ना लगे। जितनी भी हमने अपनी एक्टिविटीज करी, मैं आज आपसे वो शेयर कर देंगे हमने ये चीजें अच्छी करी। क्यों मैं इस पर्टिकुलर इवेंट की बात कर रहा हूँ कि हमने एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ टाई अप करा जिनका हमने अलग अलग ड्राइव्स करी, हमारे साथ जब उन्होंने तकरीबन लास्ट 6 महीने अलग अलग जगहों पर काम करा, हमारा एज अ कॉर्पोरेट टाई अप और लव केयर फाउंडेशन का इनिशिएटिव देखते हैं जो कि इतना एग्रेसिव था अलग अलग जगहों पे, कि हमारे को भारत सरकार ने थ्रू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हिज हाइनेस प्रणब मुखर्जी ने रिकग्नाइज करा अभी नवंबर में हमारे ऑर्गेनाइजेशन को। हमारा जो भी हमने मार्केट में करा, जो डिजर्विंग लोगों के लिए करा, और देखिए जो इनिशिएटिव्स लिए गए उसकी तरफ से हमारे को वो करा गया। एंड देन ये एक्स चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली है मिसेस शीला दीक्षित, तो ना केवल भारत के सेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म पे बल्कि स्टेट दिल्ली गवर्नमेंट ने इंडिविजुअली हम लोगों को रिकग्नाइज करा। सो ये चीज आपसे शेयर करना इसलिए जरूरी है कि हमारा जो पर्पज है केवल बिजनेस नहीं है, लोगों की अपलिफ्टमेंट के लिए भी हम एक्चुअली ग्राउंड रियलिटी पे रहके बैकएंड पे बहुत सी चीजें कर रहे हैं। ये वो फोटोग्राफ्स हैं कुछ शीला दीक्षित जी के साथ। दोस्तों नया प्रोडक्ट एक हम प्लान कर रहे हैं लॉन्च करने का, ये शॉर्ट टर्म विजन की मैं आपसे बात कर रहा हूं, जो कि बहुत जल्द हम लॉन्च करना चाह रहे हैं। जो हमारे प्रोग्राम्स ऑलरेडी चल रहे हैं आईटी स्मार्ट प्रो वो सारे चलेंगे। इसके अलावा एक और हम नया प्लान कर रहे हैं जिसका प्लेटफॉर्म जो होगा अकाउंट से रिलेटेड होगा इस प्रोग्राम का। सो एक बहुत बड़ी डिमांड थी कि कुछ अकाउंटिंग से रिलेटेड, कॉमन वर्ड में आप उसको टैली के नाम से जानते हैं, तो हम अकाउंटिंग से रिलेटेड कुछ लेकर आए। तो हमारी पूरी कोशिश है जल्द से जल्द हम इसको लेकर आए, एक प्रॉपर आपको प्लेटफॉर्म दें, जो एक कोर मार्केट है जिसको आप किसी वजह से टच नहीं कर पा रहे थे, कि उनकी एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट थी टैली को लेके, अकाउंट्स को लेके, उस चीज को हम फुलफिल करने की कोशिश करेंगे। ये हमारा एक इमीडिएट शॉर्ट टर्म
विजन है जो कि हम चाह रहे हैं हम पूरा करें। और आइए सबसे इंटरेस्टिंग चीज आपसे मैं शेयर करूं आज के दिन की। हालांकि ऑलरेडी आपसे शेयर हो चुका है, चेयरमैन साहब के लेक्चर में आपने सुना, ललित जी ने आपसे ऑलरेडी शेयर करा, हम ना केवल भारत बल्कि अपने ऑपरेशन भारत के बाहर भी लेकर जा रहे हैं। वो चीज आज आपसे शेयर करना चाह रहा हूं जो कि इनिशिएटिव ऑलरेडी हो गया है। दोस्तों पहला हमारा इंटरनेशनल ऑफिस खुलने जा रहा है नैरोबी में, कीनिया के अंदर। ऑलरेडी कंपनी रजिस्टर हो गई है,